जय भीम जय मूल निवासी एमएनटी न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 93 दिन में प्रवेश कर गया है। तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। कमजोर पड़ते आंदोलन को धार देने के लिए किसान अलग अलग तरह के ऐलान और आयोजन कर रहे हैं। इस आंदोलन को तेज करने और देश भर में इन कानूनों के खिलाफ लोगों को जानकारी देने के लिए एक साइकिल मार्च निकाला जाएगा। इस साइकिल मार्च से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 8,308 किलोमीटर का सफर पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देना है। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने की मांग कर रहे किसान अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए साइकिल रैली निकालेंगे। साइकिल रैली तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जाएगी। बताया गया है कि 8,308 किलोमीटर से ज्यादा दूरी को तय करने वाली यह साइकिल रैली 20 राज्यों से गुजरेगी। जो लोग साइकिल नहीं चला सकते हैं वे अन्य वाहन से रैली में शामिल हो सकेंगे। दिल्ली की सीमाओं सिंघू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल कई किसानों ने इस रैली में शामिल होने की इच्छा जताई है। इसमें युवा से लेकर बुजुर्ग किसान शामिल होंगे। साइकिल रैली के जरिए देश भर के किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। वहीं किसानों ने आंदोलन के 93 दिन यानी शुक्रवार को युवा किसान दिवस मनाया। इस मौके पर आंदोलन में शामिल युवा किसान काफी उत्साहित दिखाई दिए। गौरतलब है कि 3 महीने से आंदोलन के दौरान सरकार और किसान नेताओं के बीच 12 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। किसान नेता समझ गए हैं कि सरकार जल्द झुकने वाली नहीं है। ऐसे में उन्होंने दबाव बनाने के लिए आंदोलन की रणनीति बदलते हुए इसका दायरा पूरे देश में बढ़ाने का फैसला किया है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों को मानने में जितनी ज्यादा देर लगाएगी उतना ही उसे नुकसान झेलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट एमएनटी न्यूज नेटवर्क। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर करें। साथ ही मूलनिवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें और Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। जय भीम जय मूलनिवासी।